तत्वार सूत्र में चरित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के क्या कारण हैं, इस विषय पर हम विचार कर रहे हैं। और विचार करते करते ये निर्णय किया था कि जीव को हमेशा अलग अलग प्रकार के परिणाम होते हैं और उन परिणामों के हिसाब से उसका बैंक बैलेंस संसार का बढ़ता है अथवा घटता है। ऐसे ही इस जीव की परिणति होती है कि वो अपने परिणामों के हिसाब से कर्मों का आश्रय करता है या फिर कर्मों को रोकता है। और इन्हीं को हम चरित्र मोहिनी के आश्रय के कारण कहते हैं। यहाँ पे नियम ऐसा समझना कि जिस प्रकार के कषाय के परिणाम हम करते हैं उस प्रकार के ही कर्मों का आश्रय करते हैं। ठीक है, क्या नियम बोला? जिस प्रकार के कषाय के परिणाम हम करते हैं उसी प्रकार के कषायों का हम आश्रय करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने क्रोध किया और क्रोध का आचरण किया तो हमने क्रोध नाम के चरित्र मोहिनी कर्म को बांध लिया। हमने मान किया तो हमने मान नाम के चरित्र मोहिनी कर्म को बांध लिया। यानी जो परिणाम आज आप कर रहे हो वही परिणाम बारंबार होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला, ये नियम समझ में आता है? है, जो परिणाम आज आप कर रहे हो वही परिणाम बारंबार होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर अपन समझे कि अगर आज हमने कोई भी प्रकार के कषाय या किसी प्रकार के परिणाम किए तो वैसे के वैसे कर्म हमें बार बार बनेंगे। क्रोध करोगे तो क्रोध बनेगा, मान करोगे तो मान बनेगा और फिर बार बार मान आएगा। अब बहुत सिंपल सा नियम अपने में आता है कि जैसा कर रहे हैं वैसा भोग रहे हैं तो फिर हमें ये जो कर्म बंधन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से विचार करना चाहिए। क्या जिन भावों से हम आज दुखी हैं वही के वही भाव को हम पुनः पुनः करना चाहिए कि उन भावों के अभाव करने का उपाय करना चाहिए? ये हम पढ़ भी एक्चुअल में किसके लिए रहे हैं? आश्रव के कारण बार बार आश्रव करें ऐसा इसके लिए नहीं पढ़ रहे। हम पढ़ इसके लिए रहे हैं कि जो आश्रव की परिस्थितियां हैं उन आश्रव की परिस्थितियों को जानकर उस आश्रव से भिन्नता कर सके। इसीलिए अगर आपको आज कषाय आदि कस काटने वाली लगती है, हम कहते तो यही है ना परिभाषा में, कषाय किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, है कषाय की परिभाषा क्या? जो आत्मा को, बोलो पूरी करो, जो आत्मा को कसे आने कसे दे। दुख दे, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे वो कषाय। बराबर, तो क्या सच में हमें कषाय दुख देने वाली लगती हैं? अगर कषाय हमें दुख देने वाली लगती हैं तो जिन भावों से दुख हो वो भाव करने में होशियारी है कि उन भावों को छोड़ने में होशियारी है? समझ में आया? छोड़ने में होशियारी है, उन भावों को छोड़ने में होशियारी है। इसीलिए आप पर ये चीज बता रहे हैं कि आज अगर क्रोध से दुखी हो तो क्रोध करना छोड़ दो,
क्योंकि आज क्रोध छोड़ोगे तो भविष्य में भी क्रोध कषाय का उदय नहीं आएगा। आज अगर लोभ से दुखी हो, भोग की इच्छा से दुखी हो, तो वो काम करना छोड़ दो, क्योंकि उनमें और प्रवर्तन करोगे तो आगे और बंधेगा, और प्रवर्तन करोगे और बंधेगा, और प्रवर्तन करोगे और बंधेगा। कभी तो इस चक्र को छोड़ो, समझ में आया? इसीलिए इस चीज को थोड़ा गहराई से समझना कि कषाय के उदय में जो तीव्र परिणाम होते हैं, उन तीव्र परिणामों से चरित्र मोहिनी कर्म बनता है। देख आगे अपन चलते हैं। चरित्र मोहिनी इतने प्रकार का होता है। चरित्र मोहिनी के आश्रय के कारण और क्या क्या है और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला आश्रय का कारण, स्वयं कषाय करना। बात बात में सुख क्या कहते हैं अपन, माथा गर्म करके घूमना है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने वैसा क्यों कर दिया, हर जगह क्रोध में मुंह फुला लेना, मान में सीना चौड़ा कर लेना, कपट के कारण अलग भाव करना, लोभ के कारण अलग करना, तो स्वयं कषाय करे। फिर दूसरे नंबर क्या, अन्य को भी कषाय उत्पन्न कराए। बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, जैसे अपने को नहीं होता हंसी मजाक में अपन कितने कर्म मानते हैं। आपको पता है कि कोई व्यक्ति को छेड़ने पर वो दुखी हो जाता है, होता है कि नहीं? तो भी हम लोगों की प्रकृति क्या होती है, चार दोस्त मिलेंगे, किसी एक को छेड़ना चालू कर देंगे, अब वो गुस्सा होगा, तमतमाएगा, और वो गुस्सा होगा और अपन बहुत क्या मजे लेंगे, अबे देख थोड़ो अपने ने उसके रीछ, अबे जो अपना मजा ले छू है। फिर उसको कोई पॉइंट ऐसा कह दे ना जिस पॉइंट वो गुस्सा हो, बड़बड़ाए, और फिर बस बैठ के मजा लेना, ए तुमने क्रोध नहीं किया लेकिन क्रोध करवाया। तो क्रोध करने से भी चरित्र मोहिनी बनता है और करवाने से भी बनता है, है? आपने किसी से कपट की बातें की, ऐसी परिस्थिति में उसको कपट करवाने के उपाय किए, स्वयं कपट किए, अन्य से करवाए, ऐसा बोल देना, अरे बोलने में क्या जाता है, इतने चतुर तो बनना चाहिए, इतना सीधा नहीं बनना चाहिए कि सब बातें एज इट इज कहते हैं, सब लोग सिखाते हैं, तुम बहुत सीधे हो, तुम जैसे चाहे थोड़े अच्छे घुमा फिरा के बोला करो। सबसे बड़ा था बताओ, अपन अपने बच्चों को नहीं कपट करना सिखाते, ऐसे सीधे भोले भंडारी बनने से काम नहीं चलता, थोड़े चतुर बनो, चालाक बनो, जबरे बनो, कहते कि नहीं कहते? ये क्या करवा रहे हैं, सच बताओ, कषाय करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? कषाय करवा रहे। क्या ये परिणाम व्यर्थ जाएंगे, क्या इनसे कर्म नहीं होगा? बोले ये कषाय करने से भी चरित्र मोहिनी बनता है और करवाने से भी चरित्र मोहिनी कर्म बनता है। अब आगे, अब चलो, कषाय कर भी नहीं रहे, करवा भी नहीं रहे, लेकिन चरित्रवंतों के चरित्र में दूषण लगाना, निंदा करना, जो स्वयं चरित्रवान है, उत्कृष्ट आचरण का पालन करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में दोष लगाना, निंदा करना, वो भी चरित्र मोहिनी के आश्रय का कारण। देखो एक दोष लगाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा अलग है। कई बार क्या करते हैं कि हम दोष को समझते नहीं। देखो दोष में एक क्लॉज जुड़ा हुआ है। क्लॉज मतलब क्या है कि एक भूमिका में जो दोष है, दूसरी भूमिका में वो दोष नहीं होता है, दूसरी भूमिका में वो कई बार तो गुण हो जाता है। एक अवस्था में जो दोष है, दूसरी अवस्था में वो गुण हो जाता है, दूसरी अवस्था में कई बार गुण हो जाता है। देखो ऐसे समझो, जैसे मैं आपको बोलूं कि भक्तांबर स्त्रोत का अशुद्ध पढ़ना गुण है कि दोष है, बोलो उत्तर, दोष है। अब चलो मैं एक क्लॉज बता दूं कि एक 5 साल का बच्चा भक्तांबर स्त्रोत पढ़ रहा है, अब वो कितने अशुद्ध पढ़ ले, अब वो क्या हो गया उसका, वो दोष होगा कि गुण होगा? क्योंकि जहां 5 साल का बच्चा बोलना ही नहीं आता, अपन कहेंगे अरे कम से कम भक्तांबर पढ़ तो रहा है, दोष गुण हो जाएंगे, वो दोष भी क्या हो जाएंगे उसमें, गुण। अब कोई 25 साल का युवा ऐसा कहे, अरे हम तो जरा सी गड़बड़ी कर देते हैं तो लोग हमें इतना डांटते हैं, वो बच्चा इतनी गड़बड़ी कर रहा है तो भी उसे प्राइज दे रहे,
क्यों ऐसा? क्योंकि एक भूमिका में जो दोष है दूसरी भूमिका में वो गुण हो जाता है। तो कई बार मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि कई बार दो प्रकार के दोष होते हैं, एक तो भूमिका अनुसार दोष और एक सर्वथा दोष। जिन वाणी में भी दोनों प्रकार के दोषों की चर्चा की, कुछ ऐसे दोष हैं जो हर कंडीशन में दोष ही, जैसे मिथ्यात्व का दोष। श्रावकों के जीवन में हो तो भी दोष है, साधुओं के जीवन में हो तो भी दोष, बराबर। लेकिन एक दूसरा जो होता है वो जो चरित्र का जो दोष होता है वो श्रावक और मुनि के जीवन में अलग अलग होता है। वो ऐसे समझ लो कि श्रावक अगर मर्यादित भोजन बनाए तो गुण, और साधु भोजन बनाने लग जाए तो दोष। बात आ रही ख्याल में? क्या कह रहा हूं समझ में आया कि नहीं आया? श्रावक मर्यादित भोजन करे, मर्यादित भोजन करे, अपन जैसे लोग हैं बराबर, कैसा भोजन कर रहे हैं? शुद्ध भोजन कर रहे हैं, मर्यादित भोजन। अरे ये तो बड़े व्रती हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, क्या कर रहे हैं वो? मर्यादित भोजन कर रहे हैं। मर्यादित भोजन तो समझते हैं ना, शुद्ध भोजन। तो श्रावक शुद्ध भोजन बनाए, करे, कराए तो सब क्या कहलाएगा? गुण के दोष, गुण कहलाएगा। और वही भोजन साधु बनाने लगे, अब साधु कहें भले ही हम तो बना तो मर्यादित ही रहे ना, तो हमारे लिए तो दोष क्यों कहते? तो वहां ही अपने को समझना पड़ेगा ना कि भले ही वो मर्यादित ही क्यों ना हो, लेकिन अगर साधु बना रहे हैं तो गुण नहीं कहलाएगा, वो दोष कहलाएगा। यानी ये बात तय हो गई ना कि गुण और दोष दो प्रकार से नक्की किए जाते हैं, एक यूनिवर्सली और एक कंडीशनली। कुछ चीजें हैं वो यूनिवर्सली हैं और वो दोष रूप ही हैं, और कुछ चीजें कैसी हैं? कंडीशनली हैं, जो कभी दोष रूप हैं और कभी गुण रूप हैं। मिथ्यात्व यूनिवर्सली दोष रूप है, और चरित्र के दोष कभी गुण रूप होते हैं, कभी दोष रूप होते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम साधु की बातें जो रहती है ना, और कोई साधु की बात को कोई श्रावक बताए तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो श्रावक भी साधु के जैसे ही आचार करे। और कुछ सामान्य चीजें जो कि एक्चुअल में दोष नहीं है हम उन्हें दोष मान लेते हैं। जैसे कोई हंस के बोल रहा हो, कोई कोई व्यवस्थित भूमिका अनुसार कपड़े पहने हो, अपने परिवार को लेके जा रहा हो, कोई गृहस्थ हो, चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती भी हो, पंचम गुण स्थान वाला भी हो, घर परिवार को लेके बैठा है तो घर परिवार के अनुसार भाव भी होते हैं उसके। ऐसा तो है नहीं है कि परिवार है लेकिन परिवार संबंधी भाव नहीं है। अगर परिवार संबंधी बिल्कुल भाव ही ना हो तो परिवार में रहे ही क्यों, सन्यासी हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उसे अपना भी विचार आएगा बराबर, आजीविका भी विचार आएगा, क्या कहते हैं, फिर ये भी विचार आएगा कि भोजन क्या बनाए, भोजन क्या करें। आप कोई ऐसा कहे, अरे काय के ज्ञानी है, बताओ वो तो कपड़ों का सोच रहे थे, काय के ज्ञानी, वो तो ये बोल रहे थे खाने में क्या खाना है। अरे भैया किसने कहा कि चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में क्या खाना है संबंधी विचार नहीं आता, क्या पहनना है संबंधी विचार नहीं आता, हंसते बोलते परिवार के साथ में नहीं रहने के भाव नहीं आते, सब होते हैं। इसीलिए ये दोष नहीं है। भूमिकानुसार अगर कोई आचरण कर रहा है तो वो दोष नहीं है। हमेशा दोष भूमिका से नीचे आचरण करना होता है, क्योंकि चारित्र के दोष यूनिवर्सल नहीं है, चारित्र के दोष कंडीशनल। श्रद्धान का दोष यूनिवर्सल, अनकंडीशनल। श्रद्धान का दोष मुनि के, श्रावक को, किसी के भी जीवन में होगा, वो दोष ही है। और चारित्र का दोष दोष नहीं है, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो भूमिका अनुसार लगता है। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि भक्तामृत स्रोत को अशुद्ध पढ़ना दोष है, लेकिन अगर मैंने आपको ये बोला कि 5 साल का बच्चा पढ़ रहा है तो वो दोष नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? गुण कहलाएगा। है बोलो, विचार करो, पॉइंट समझ में आया कि नहीं?
ये चीज को थोड़ा हमें विचार करना चाहिए। और उसके बाद में जो भूमिका के नीचे आचरण नहीं कर रहे ऐसे ज्ञानियों के जीवन में दोष लगाना वो चरित्र मोहिनी के आश्रम का कारण है कि जो कर तो भूमिका के अनुसार रहे हैं लेकिन हमें तो किसी भी रूप में दोष लगाना है तो हमने उनकी निंदा करना चालू कर दी तो उससे क्या होगा, उन ज्ञानी के जीवन में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो जैसे हैं सो हैं। लेकिन आप ऐसा करोगे तो आपको चरित्र मोहिनी का आश्रय होगा, चरित्र मोहिनी का आश्रय होगा तो क्या होगा बोले चरित्र मोहिनी के आश्रय होने पर जीव को तीव्र कषायों का सामना करना पड़ेगा। कषाय की ज्वाला में क्रोध की मान की माया की लोभ की ज्वाला में वो व्यक्ति जलता ही रहेगा, शांति का आनंद नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी निंदा में समय नहीं लगाना चाहिए, और अगर निंदा कदाचित हो भी रही है तो साधर्मियों की व्रतियों की ज्ञानियों की निंदा नहीं होनी चाहिए। बराबर। अब देखो चौथे नंबर की बात क्या, संकलेश पैदा करने वाले वेश और व्रत धारण करना। व्रत धारण करना ये सुख का कारण है, लेकिन कब, कि जब शांति से क्षाम्य भाव पूर्वक उन व्रतों का पालन करो, आकुलता पूर्वक मान बढ़ाई के लिए ऐसे अगर व्रत का पालन कर लिया तो उससे और चरित्र मोहिनी कर्मों का बंधन होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आज अगर आप देखोगे कई बार लोग कहते हैं ना, ये जो बाहर में तप जो ज्यादा तप करते हैं ना, तपेले होते हैं, तपे हुए होते, तपेले मतलब जो तपे हुए रहते। मेरे ऑफिस में एक बहुत था मित्र, वो बरसों से बैसना कर रहा है लेकिन इतना कषाय वाला कि उसको देखकर सब लोग ऐसा कहेंगे ये तो तप कर रहा, मतलब तपा हुआ है। जरा सी कोई बात करे झगड़ा, जरा सी बात करे क्रोध, जरा सी माँ ईगो की बात, जरा से बात बात पे झूठ बोल जाए बात, ये क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल कर्म का नियम है, इसमें कुछ भी मेरा आपका नहीं, कर्म का सीधा सीधा सा नियम है कि उस व्यक्ति के अंदर में क्षमता है नहीं है, शांति है नहीं है, और दिखाने के लिए बाहरी व्रत कर रहा है तो क्या होगा कि उन बाहरी कार्यों से और चरित्र मोहिनी का आश्रय होगा, और जितना चरित्र मोहिनी का आश्रय होगा उतने इस जीव के अंदर में क्रोध के परिणाम, मान के परिणाम, कषाय के परिणाम होते ही जाएंगे। आपको पता चलेगा आजू बाजू उनको उनको समता नहीं होगी, उनको शांति नहीं होगी, उसको आनंद नहीं होगा, उसे मात्र बाहर की व्रत क्रिया का बोझ रहेगा और अंदर में दुख के परिणाम चलते रहे। बाहर में व्रत चल रहे ना, अंदर में दुख चल रहे, ऐसा जीवन। मैं सैकड़ों व्रतियों को देख चुका हूं जो बिल्कुल अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ बन गया। अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ मतलब क्या हो गया कि उनको जरा सा भी अगर आप सड़ी करो ना तो भड़ाका होने में टाइम नहीं लगता, मान बिल्कुल सातवें आसमान पे पहुंच गया है, दिखावे से फ्री नहीं होते, और जगत में यश का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, इसमें ही पूरा जीवन बिता देते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो ये संकलेश पैदा करने वाले वेश और व्रत धारण करते हैं कि जो वेश धारण करने की पात्रता तो नहीं है, बराबर, लेकिन दिखाने के लिए वेश धारण कर लिया तो उससे कषाय बंदी और वैसा उदय उसका हो गया। व्रत बाहर में व्रत तो असंख्यात प्रकार के हो सकते भैया, लेकिन तुम्हारे अंदर में व्रतों को पचाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। जिनवाणी जहाँ ये कहती है कि व्रत पालन करना चाहिए, वहीं ये भी कहती है कि पालन किए हुए व्रत को पचाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पचा, तप पचाना बड़ी बात, नहीं तो तप का अहंकार होते समय नहीं लगता। जैसे जगत में धन का अहंकार होने में कोई टाइम लगता है क्या? आपको कब पता चला आपको धन का अहंकार हो गया? आपको पता चला रूप का अहंकार कब हो गया? आपको पता चला ज्ञान का अहंकार आपको कब हो गया? पता चला। तो जैसे ये कब हो जाते हैं पता नहीं चलता, ऐसे बाहर में व्रत तब धारण करें ना तो वैराग्य तो कम होता है और अहंकार अधिक हो जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति उसी जाति के कर्म का आश्रय करते हैं और दुखी, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? तो व्रत पालन करना कि नहीं करना
विष धारण करना कि नहीं आया करना, वेश भी धारण करना, व्रत भी पालन करना है। हमें ब्रेश और व्रत से नाराजगी नहीं है, लेकिन समीचीन वेश धारण करना और समीचीन व्रत पालन करना, कर्मों को बढ़ाने के लिए व्रत पालन नहीं करना, कर्मों को बुलाने के लिए व्रत पालन नहीं करना, कर्मों को घटाने के लिए और कर्मों को रोकने के लिए व्रत पालन करना। समझ रहे ना? देखो यहाँ पे अब आगे क्या कहते हैं, शीलवंतों को शील पालन करने से चलायमान करना, ये भी बहुत बड़े चरित मोहिनी का आशय का कारण है। कोई व्यक्ति व्रत में दृढ़ है कि नहीं, आपने उसको क्या कर दिया, अरे भैया समय खराब है, ऐसे व्रत धारण करके क्या काम हो जाएगा, ये सब अपने ही लोग ऐसी सलाह देते हैं। बाहर वाले को तो कोई इंटरेस्ट, बाहर वाले को तो आपको बाबा बनाने में रस होता है। बाहर वाले को किस में रस होता है कि तुम बाबा बन जाओ, बाहर वालों को बाबा बनाने में रस होता है। लेकिन जिन्हें हम अपने कहते हैं, अधिकतर अगर हम कोई व्रत लेते हैं तो बाहर वाले तो तालियां लेते हैं, और सबसे नज़दीक वाले जो आपके होते हैं, आपकी उम्र से तुम्हारी लेवानी, सौ से पहले तो बढ़ा के कहाँ से होगा, आपकी धर्मपत्नी या धर्मपति से। आप व्रत लेना चालू करो कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो सबसे पहला अपोजिशन किसको होगा, पूरे गांव को नहीं होगा, किसको होगा? अरे मत शर्माओ, बोलो। देखो हीरन भाई की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, इशारा कर करके बता रहे। इतना भी मत डरा के रखो भाई। मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी। ना इधर मजाक कर रहे। થોડુંક ધર્મ કરાવવામાં રસ કોને હોય, ઘરના લોકોમાં, અને પછી એ જ વ્યક્તિ જો વધારે ધર્મમાં લાગી જાય તો પ્રોબ્લેમ કોને હોય, ઘરના લોકો। એટલે બધાનો ઇન્ટરેસ્ટ કેવો હોય, कि आम छोकरो हो कि हस्बैंड हो कि वाइफ हो, कोई हो, कितलो धर्म करे, बोले एटलो तो धर्म करे कि मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, बराबर दारू मदिरा वगैरह ना पीवे, बीजे व्यसन में ना पड़े। एने ठीक है कि जो धर्म ज एने रोक से, आप तो इतना तो भरोसा है कि अगर धर्म करेगा तो ये व्यसनों में नहीं पड़ेगा, पर स्त्री में नहीं जाएगा, विषयों में नहीं जाएगा, शराब सेवन नहीं करेगा, इतना तो धर्म करे पंडित जी। लेकिन ज्यादा धर्म करने लग जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है, नजदीक वालों को ही नहीं है, क्योंकि उसमें उनका दोष नहीं है, मुंह का स्वभाव ही ऐसा है, मुंह का स्वभाव ही ऐसा है। तो अगर आप कोई व्रत पालन करने जाओगे तो वो उसमें प्रॉब्लम आपके अपने ही उठाए, तो उनको दोष मत देना, समझाने का प्रयास। और जो प्रॉब्लम करते हैं उनके लिए कहना चाह रहा हूं कि आप स्वयं पालन नहीं कर रहे हो लेकिन अन्य को चलायमान कर रहे हो, तो आप कर्म बांध रहे हो। मैंने ऐसे बहुत देखा, एक बहन को चौबियर करने की बहुत इच्छा, लेकिन पति 8 बजे आते हैं। अब पति 8 बजे आते हैं, बहन चौबियर करके बैठ जाए तो पति देव गुस्सा हो जाते हैं, मैं पूरे दिन बाग काम करके आता हूँ, तू मेरे साथ खाना नहीं खाती है। तो मतलब मजबूरी में उनको चौबियर करना है पत्नी श्रीमती जी को, और श्रीमान जी कह रहे नहीं, मैं आपको दिवस हूँ, आपको दिवस काम करी ने आऊँ, अने तो जमती नहीं मारी साथे, पराने पराने राते खबड़ा है। क्या हुआ, आपने चरित्र मोहिनी कर्म का आश्रय किया। एक ने होटल में जवानी इच्छा न थी, श्रीमान जी के श्रीमती जी बीजा ने खेची ने लई जाए, हमें थोड़ी आपनी उम्र थी, एटली बड़ी उम्र नहीं, पछी अपने एटला बड़ा धर्मिष्ठ न थया, अपने गांव शहर में रह रहे हैं, अपन गांव में नहीं रहते हैं, अपन को ये है ना वो, ऐसे करके कोई अगर थोड़ा बहुत भी दृढ़ हो रहा हो ना, उसको क्या करे, चलायमान करे, ललचाए उसको, अरे डराए उसको। ललचाए मतलब कैसा, कि कोई कोई बाहर नहीं खाता पीता, उसके सामने होटल का बखान करे,
अरे फलानी होटल का तो वो खाना बहुत अच्छा मिलता है, कोई बाहर जाता नहीं है, कोई वो काम करता नहीं है, बखान कर तो आप ललचा रहे हो तो भी चलायमान कर रहे हो, डरा रहे हो तो भी चलायमान कर रहे हो कि देखो अभी तुम्हारी क्या कहते हैं उम्र नहीं है, ना ये हो जाएगा ना वो हो जाएगा, वो भी चलायमान करना है, बराबर इमोशनली ब्लैकमेल करना कि तमे जो मारी साथ नहीं चालसो तो बीजो कौन चालसे, तमारा से पची वो थोड़ी हुए पची आगुच करवानु हो तो लगन केम करियो, लगन ज ना करवो जो ये तमने तो साधु थवू जो ये तमने तो सन्यासी थवू जो ये ना आम छे तेम, थोड़ा बहुत भी धर्मात्मा जीवो ना उसको जीवन में एक दो बार तो बहुत कम हुआ, लगभग लगभग हर हफ्ते 15 दिन में एक दो बार सुनने को मिलते ही मिलता है बहुत देखो ऐसा ही है स्वरूप, मतलब व्यक्ति का एक ही वो डायलॉग होता है तो मैं तो सन्यासी थे ये बुजुर्ग सन्यास, अरे सन्यास मतलब क्या है, मजाक है क्या सन्यास, हम भी कह रहे कि सन्यासी हो जाना चाहिए, लेकिन सन्यासी कोई पेड़ पे थोड़ी लगता है कि सन्यास हो गया, इसीलिए इस तरीके के से जो होता है ना कथन, ये धर्म में चलायमान करने वाला होता है, ऐसा करने वाला जीव चरित्र मोहिनी कर्म का आश्रय करता है, मतलब क्या दुष्परिणाम होगा कि स्वयं तो चारित्र धारण कर नहीं रहा, लेकिन जब कभी इच्छा होगी ना तो इच्छा में भी इतनी तीव्र कषाय होगी कि चाह करके भी वो काम वह कर नहीं पाएगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार, इसीलिए कभी भी कितना भी आपका राग का संबंध हो घनिष्ठ संबंध हो, एक्चुअल में ये फोर्स घनिष्ठ ही करते हैं, मैं भी गृहस्थ जीवन जी रहा हूँ, अमूमन सारी परिस्थितियों को मैं समझता हूँ, इसलिए ये बात आपको कह रहा हूँ कि जो आपके सदाचारशील में आगे बढ़ोगे तो पड़ोसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नहीं होगी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो साधु बन जाओ ना, मैंने तो कहा ना अड़ोसी पड़ोसी को तो आपको बाबा बनाने में ही रस, बन जाओ ना तुम तो बाबा बन जाओ सबसे बढ़िया, उनको कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ किनको होगी, आपकी माँ को पिताजी को पुत्र को पुत्री को पत्नी को पति, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी, बाकी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे उन मोह के संबंधों को लक्ष्य में लेकर मैं ये बात कह रहा हूं कि भैया कभी भी किसी को सील पालन व्रत आदि पालन करने में चलायमान मत करना, ललचाना नहीं, डराना नहीं, लोभ दिखाना नहीं, इमोशनली बातें करना नहीं, तत्व ज्ञान से बल देना, कोई बात नहीं, जैसे कोई अगर पत्नी कहे ना, पति का पत्नी कहे कि मुझे दिन में भोजन करना है तुम रात को आते हो, तो उनको मतलब भार देकर बोलना चाहिए कि देख कोई बात नहीं मैं तो ऑफिस से आते आते मुझे देर हो जाती है 8 बज जाते हैं, लेकिन कम से कम तू तो दिन में खाया कर, रही बात मेरी चिंता मत कर, मैं तो खा लूंगा, गर्म करके बना के रख देना तू, मैं खा लूंगा, तू परसना तक नहीं, ऐसा बल देना चाहिए, एक दूसरे की कषाय की इच्छाओं की पूर्ति करने की बजाय उन कषाय आदि की इच्छाओं का अभाव कैसे किया जाए, ऐसी बात एक दूसरे से कहनी चाहिए, मैं सोचने को बोलता हूं आप लोगों की, आप सोचो कितने दिन हुए जब कभी किसी के घर में ऐसी बातें होती हैं कि जहां वो कषाय की पूर्ति के लिए नहीं कषाय के अभाव के लिए बातें कर रहा, कितने समय पहले आपने लास्ट टाइम में डायलॉग किया होगा आपस में आपकी घनिष्ठ के साथ में, जब आपने एक दूसरे को कषाय बढ़ाने वाली नहीं कषाय घटाने की बात की, एक ने बोला कि चलो अपन यहाँ घुमाते हैं इससे झगड़ा करते हैं, दूसरा कहता है कि अरे कैसी बातें करते हो, ये मनुष्य पर्याय झगड़ने के लिए मिली है क्या, अरे कैसी बातें करते हो, ये मनुष्य पर्याय घूमने फिरने के लिए मिली है क्या, कि कब आपने ये बातें की, मतलब एक को कषाय की इच्छा हुई तो दूसरा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ साची बात है ना, घना दिवस थी आपने निकलिया नहीं, घना दिवस थी बाहर खाधु नहीं, बराबर है ना, तो आप बराबर व्यवस्थित जो हमड़ा ही नाक जो एले क्रोध कराने में निमित्त बन रहे, दोष के सेवन में निमित्त बन रहे, भोग आदि में निमित्त बन रहे, परिग्रह आदि में निमित्त बन रहे, अरे भैया स्वयं कर रहे ना दूसरों को भी करा रहे, कोरोना होता था तो ये विचार करते थे कि मुझे हुआ तो कोई बात नहीं इसको ना हो जाए, इसके लिए आइसोलेट हो जाते थे,
लेकिन कसाई का रोना हो रहा है क्योंकि तुझे हो रहा है तो मैं क्यों बाकी रहूं, और मुझे हो रहा है तो तू क्यों बाकी रहे। संग मर मर ख्याल में आया, इसलिए इस चीज का विचार करना। सच्चे अर्थ में धर्म को मुख्य करो, कोरे कोरी बातें नहीं करो, है ना। बोल तो शीलवंतों को शील पालन करने से चलायमान करना। फिर आगे क्या बोला, शील व्रतों की निंदा करना। कोई ये कहे कि ये वाला व्रत खराब है, अहिंसा व्रत की बात आए तो बोला अरे यार जैनों में तो सब ये खाना वो खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसी ऐसी सब बातें होती हैं, ऐसा थोड़ी होता है, निंदा करने लगे उसकी। ये क्या हुआ, अहिंसा की निंदा की, सत्य की निंदा की, ब्रह्मचर्य की निंदा की, और मौज मस्ती और हिंसा की, वो क्या कहते हैं, प्रशंसा की। ऐसे कारण के, ऐसे कार्यों से जीव कषाय का बंधन करता है। बराबर। अब क्या कहते हैं, नौ कषायों का बंधन कैसे होता है। नौ कषाय, बोले पंडित जी नौ कषाय मतलब क्या होती है, नौ कषाय की क्या परिभाषा है बताओ। ये जय कौन है, जय जे वाय जय। मारो फ्रेंड अच्छा, हाँ ठीक है, मारो फ्रेंड ओके ओके ठीक है। हाँ जी हाँ सर हाँ 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 क्या ना छो भाई। हाँ दुबई है जी। हाँ अच्छा दुबई में, अच्छा ओके ओके, गलत हिंदी खबर पड़े छे बधु। जी सर। ओके ओके सर, गुजराती छो कि नॉन गुजराती। हाँ जी गुजराती। हाँ गुजराती छो ना, बराबर। तो कहीं पर हाँ तकलीफ जी तो पूछो भाई, है ना। ओके सरस। अच्छा थैंक यू सर। हाँ अबे नौ कषाय शब्द आयो, नौ कषाय, नौ कषाय क्या कहलाता है, नौ कषाय किसे कहते हैं। बारोल भाई ख्याल से, विपुल भाई, दिनेश भाई बोलो, नौ कषाय की परिभाषा। कषाय ने अंदर डायरेक्ट काम ना करे पर एडिशनल काम करे। बराबर। देखो नो कषाय मतलब नो इटले माइनर, अल्प, ईषत, किंचित, थोड़ू, बराबर ना। तो जो कषाय नहीं है लेकिन कषाय का माइनर माइक्रो वर्जन है, उन्हें क्या नाम दिया है, नो कषाय। अपन एक शब्द था नव नो कषाय, ये अपने आप पे नाइन नो कषाय बोली। तो नौ शब्द ईषत यानी अल्पता का वाचक होता है, किसका वाची होता है, अल्प कंपने का कथन करने वाला। तो तीन प्रकार की कौन कौन सी, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ठीक है ना। तीन प्रकार की क्या है, नौ प्रकार की क्या है, नौ कषाय होती है। कौन कौन सी बोलो जरा। पहली नंबर हास्य, रति, अरति, हास्य हाँ, रहती शोक, भय, शोक जुगुप्सा भाई और स्त्री जो वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। हाँ अब समझना, जिन जिस कषाय के उदय में हास्य रूप परिणाम होते हैं, एटले हंसी 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 हंसू हंसू आवे, वो क्या हुआ, हास्य नौ कषाय। जिस कषाय के उदय में राग रूप परिणाम होते हैं वो कहलाई रति नौ कषाय। जिस कषाय के उदय में द्वेष रूप परिणाम होते हैं अरति नौ कषाय। शोक रूप परिणाम होते हैं शोक नौ कषाय। भय रूप परिणाम होते हैं भय नौ कषाय। जुगुप्सा इतले चित्री चढ़वा जेवा परिणाम हुए छे, जुगुप्सा नौ कषाय। और स्त्रीवेद, पुरुष वेद अने नपुंसक वेद सुन होए कि जे कषाय ना उदय में पुरुष होए तो स्त्री साथे रमण करवानी इच्छा होए तो पुरुष वेद, स्त्री होए तो पुरुष साथे रमण करवानी इच्छा होए तो स्त्री वेद, अने बन्ने साथे रमण करवानी इच्छा होए तो नपुंसक वेद। तो आवा परिणाम जे कर्मना उदयना निमित्ती थाय छे ए ए जातिनो कर्म कहेवाय छे, ठीक छे। जो अब हास्य कर्म आश्रवना कारण कि हसी तुम्हारा थी शू था, जो घने लोग तो एम कहेंगे भाई ये तो सारू छे ना, अच्छा है ना, हंसेंगे हंसाएंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे कहने लगे, जैन में भी ऐसा कहते हैं
हंसने वाला हंसाना सबसे बड़ा पुण्य है और हंसाने वाला सबसे बड़ा पुण्यात्मा, सही है ना बाप? अरे जैन धर्म में हंसने हंसाने को भी कसाय कहा है, तो फिर क्या हंसनी बुरी बात है? देखो बुरी बात तो है ही, लेकिन हंसोगे नहीं और मुंह बना के बैठ जाओगे तो वो भी तो बुरी बात है। तो हंसना बुरी बात है तो मुंह बना के बैठ जाना भी बुरी बात है। बात इतनी है कि हास्य के परिणाम आ रहे हैं तो आ रहे हैं, अपनी कमजोरी जानकर चलो। अब आप ऐसा थोड़ी कि आपने हंस दिया तो उदय आ गया करके बोले, जैसे अपन बोलते ना बच्चों को गेम खेलते थे कि हंसा के बताओ हंसा के बताओ, अंदर में तो बहुत हंसी आती है जैसे ऐसे दांत बंद कर लिए, जैसे हंसी व्यक्त ना हो। तो व्यक्त नहीं होने का नाम थोड़ी कोई कर्म का अभाव हो गया, वो तो आपके अंदर जैसी उदय में आया वैसे परिणाम हुआ। अब मुद्दा ये कि लोगों ने हंसने को इतना मतलब हंसने को बहुत अच्छा मान लिया और यही कहते हैं बस ऐसे ही हंसी खुशी में जीवन निकल जाए। ठीक है, तो मैं हंसना इतना अच्छा लगता है तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस सूंघ लो N2O, पता है ना नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी गैस होती है? ना ना नाइट्रोजन गैस नहीं होती, कौन सी गैस होती है? हंसाने वाली गैस होती है, लाफ्टर गैस, लाफिंग गैस बोलते हैं उसे, कि वो इतनी खतरनाक होती है कि अगर वो गैस किसी ने छोड़ दी आपके ऊपर तो आप हंस हंस के मर जाओगे। इतनी ज्यादा मतलब हंसाना आपको क्यों अच्छा लगता है उसका कारण पता है कि आप इतनी ज्यादा चिंता आकुलता में रहते हो कि थोड़ी देर हंसते हो तो सब चीजें भूल जाते, तो आपको लगता है हंसना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब आप खुद अंदर से प्रसन्न रहना सीख जाओगे तो आपको हंसना दुखदाई लगे, सच बता रहा हूं। आपको जिनवाणी जिनवाणी का आनंद आ रहा हो, बीच में कोई खिलखिला के हंस दे तो आपको आनंद बाधक लगेगा, सच बता रहा हूं। ये कब आपको अच्छा लगता है? जब आप बहुत तीव्र कसाय में बहुत स्ट्रेस में होते हो, जब आप खुशी के पल ढूंढना चाहते हो तब आपको हंसी अच्छी लगती है, लेकिन जब ऑलरेडी आप हैप्पी हो और हंसे हंसाए तो वो आपको हंसी बुरी लग जाती। एक्चुअल में यही है कि हास्य भी कषाय, हास्य भी दुख देने वाली कारण है। आप देखो आप 5 मिनट हंसो, हाँ हाँ पेट दुखवा लगा, हंसी हंसी ने सुधर गयो पेट दुखवा लगे, मतलब ये शरीर और आत्मा हंसी के ओवरडोज को भी सहन नहीं कर पाती। जैसे क्रोध कषाय का रिएक्शन होता है वैसे हास्य का भी रिएक्शन होता है। ये बात क्यों बताना चाह रहा हूं कि मैं हास्य विरोधी हूं ऐसा नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हास्य आत्मा का विरोधी। है समझ में आया कि नहीं? आत्मा स्वभाव जो निष्कषाय है वह स्वभाव अगर हास्य में होगा तो तकलीफ में पड़ जाओ। हंसी हंसी में हम बहुत सारी चीजें उड़ा देते हैं ना, तत्व की बात को हंसी हंसी में उड़ा देते हैं, क्या होगा उससे? उसका दुष्परिणाम ये होगा कि सत का समय में भी वो जिनवाणी की बात सुनने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे कर्म का आश्रय कैसे होता है? बोले सत्य धर्म का आप उपहास करने लग जाओ, कोई सच्चा धर्म करे उसका उपहास करो। अरे तुम ऐसा कर्म बनेगा कि आप जब धर्म पालन करोगे तो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे और उस उपहास के चक्कर में आप पुनः धर्म पालन नहीं कर पाओ। दीन मनुष्य की मजाक उड़ाना, कुत्सित राग को बढ़ाने वाला हंसी मजाक करना और बहुत बकने और हंसने की आदत रखना, ये 4 चीजें आप बोली। राग को वल्गैरिटी, इस टाइप का हंसी मजाक कर, आजकल ये सबसे बड़ी समस्या है। निर्दोष हास्य मिलता ही नहीं, सब जगह हास्य के नाम पे